हेलो दोस्तों, आज हम थ्रोन ऑफ सील की एपिसोड 24 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटल अरेना का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है और वह इस बैटल अरेना में फाइट करने के लिए आ जाता है और इनके फाइट लेसीन से होने वाली होती है। और वही हम हाउचेन और मास्टर को देखते हैं। तभी हाउचेन उस लड़के को देखकर अपने मन में सोचने लगता है, यह आज मेरी बहन का अपोनेंट है जो कॉम्पिटिशन के दूसरे राउंड में आगे बढ़ सकते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत होना होगा। और तभी हम देखते हैं लेसीन बैटल अरेना की तरफ आने लगती है और वहाँ के सब लोग शांत हो जाते हैं। तभी वो बंदा इसे ध्यान से देखने लगता है, आखिर उसकी मुकाबला किससे है। तभी लेसीन इसके सामने आ जाते, वो बंदा इसे देखकर खुश हो जाता है और उसके साथ की सपने देखने लग जाता है। और उस बंदे को लेसीन बहुत पसंद आ जाती है और वह हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें मुझ पर ब्यूटी ट्रिक का इस्तेमाल की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी भी दया नहीं करता हूँ। यह सुनकर लेसीन कहती है, तुम्हें दयालु होने के लिए किसने कहा? मैं तुम्हें पीटूंगा और तुम मेरे सामने रोते हुए दया की भीख मांगोगे। लेकिन वह बंदा इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। दोनों ही फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होते हैं। लेसीन अपनी पावर को यूज करके अपने यूनिकॉर्न घोड़ा को बुला लेते हैं। तभी हम देखते हैं लेसीन उसके ऊपर चढ़ जाती है और यह देखकर वह बंदा भी अपनी बीस्ट को भी बुला लेता है और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग बात करने लगते हैं, इस बंदे के पास स्पिरिचुअल पावर है, इस बंदे का बीस्ट बहुत पावरफुल होगा। अब हम देखते हैं कि बैटल अरेना में बर्फ जमने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल से उस बंदे का बीस्ट बाहर आ जाता है जो कि एक आइस बालू होता है। सब लोग यह देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं उस बालों का हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं वह बालू बहुत छोटा होता है। ये देखकर सभी लोग साफ हो जाते हैं। तभी वह बंदा यह देखकर उसको अपनी हेड में रखता है। इस पर लेसीन उस बंदे का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारा बीस्ट तुम्हारे सवारी कर रहा है। सब लोग उस बंदे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी वह बंदा कहता है, भले ही मेरा सोल बेस्ट कम उम्र का है लेकिन तुम्हें इसे अंडर एस्टिमेट करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो अपनी बीस्ट को पावर यूज करने का कहता है। यह सुनकर उसका बीस्ट अपनी पावर का यूज करने लग जाता है। और तभी हमें देखते हैं वहाँ की सभी जगहों में बर्फ जमने लगती है। इस पर लेसीन कहती है, चलो मैच को लंबा करने के बजाय जल्दी ही खत्म करते हैं। अब लेसीन अपनी घोड़े पर बैठकर उसके और बढ़ने लगती है और वो बंदा उसके सामने ही खड़ा होता है और वो कहता है, मैं अपनी आइस बीस्ट के लिए गिर गया और अभी मेरा बीस्ट बड़ा नहीं हुआ है। अगर यह लड़की करीब आने की कोशिश करेगी तो जीत मेरी ही होगी। यह सोचकर वो बहुत खुश हो रहा होता है और अब वो अपनी बेस्ट के पावर को इस्तेमाल करने लगता है जिसे वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आ जाता है। तभी हम देखते हैं लेसीन को इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, थोड़ी सी मस्ती हो जाए। यह कहकर उस बंदे की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर वो बंदा उस तूफान के अंदर देखता है लेकिन उसको लेसीन नहीं दिखते हैं और यह देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, यह काफी ज्यादा अजीब है, मैंने रखा था वो लड़की अंदर ही आई थी। वो यह सब सोच रहा होता है लेकिन तभी अचानक से लेसीन सामने आ जाते हैं और अपने पावर से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी हम देखते हैं उस बंदे को लेसीन का अटैक लग जाता है और वो उड़ते हुए पीछे गिर जाता है और कहता है, असल में तुम्हारा माउंट लेवल 6 का है, उसे 5 टीएच लेवल मैजिक का कोई डर नहीं है। और वो बंदा बहुत डर जाता है। तभी हम देखते हैं लेसीन उसके सोल बिस्ट को पकड़ लेती है तो वो बंदा इसके सामने जाकर माफी मांगे लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ, प्लीज मेरी बीस्ट को छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं लेसीन उस मैच को जीत लेती है जिस पर हाउचेन सोचता है लेसीन का माउंट लेवल सच में 6 में प्रमोट हो गया है। अब मास्टर भी देख कर कहते हैं, बहुत अच्छे, अब लेसीन टॉप 10 में पहुँच गयी है। और वही हम देखते हैं वहाँ के सभी लोग लेसीन को देखकर चेयर अप कर रहे होते हैं
और यह देखकर ली सीन भी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर होस्ट आ जाता है और वह बताता है ली सीन ने इस मैच को जीत लिया है और आगे कहता है और अगला मैच 97 और 99 के बीच होने वाली है। तभी ली सीन स्क्रीन में देखती है अगला मैच हाओ चेन और उस शरारत लड़के का है, जिस पर उस शरारत लड़के का फादर बोलते हैं, अब हुआ ना सही मुकाबला, अब तुम्हें तुम्हारा थप्पड़ जरूर मिलेगा। और वो अपने बेटे को फाइट करने के लिए आगे जाने के लिए कहता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट भी जल्दी आ जाएगा।